क्या ये बाइडेन सरकार के लिए, रनिंग गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा सेटबैक नहीं है? चुनाव में क्या इसका उनको नुकसान नहीं होगा? ईरान पे ठीकरा फोड़ देने से ही क्या सरकार बच जाएगी, आपको लग रहा है ऐसा? ये फेलियर है, इंटेलिजेंस का भी फेलियर है, और यहाँ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लैप्स हुआ है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। मैं आपको सिर्फ इतना ज़रूर बताना चाहूँगी बैकग्राउंड में कि लॉ एनफोर्समेंट में आजकल बजट कट्स हैं और उन्होंने और रिसोर्सिस की मांग की थी लेकिन वो डिनाई कर दिए गए। और जहाँ आप बटलर पिट्सबर्ग की, आपने तो सारा फुटेज देखा ही है कि वो जिस जगह पे वह इवेंट हो रहा था, जहाँ वो रैली थी, वो बिल्कुल एक खुला सपाट मैदान था, उसमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं, जो ज़्यादा बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं थी और ये था। तो जब मतलब एक जिस तरह से उसने प्लान किया, और ये जो 20 साल का युवक की बात करें, क्योंकि जिस तरह से यहाँ नफरत भर दी जाती है ना, हेट्रेड जैसे है, मतलब अभी जैसे राष्ट्र बच्चों के मन में कई बार स्कूल्स में भी ये बात होती है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो इतना अच्छा करते हैं। आप ये देखिए, अभी हमारे जो फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं, दे एक्सेल सो मच। ट्रंप की सबसे पहली स्टेटमेंट थी कि जो यहाँ पढ़ाई करने आते हैं F1 स्टूडेंट, आप उनको ग्रीन कार्ड दीजिए। ही इज ऑल अगेंस्ट डॉक्यूमेंटेड पीपल that they should be living here, जो legal लोग हैं, and he is always against कि जो undocumented हैं। अब हमारे यहाँ जो आप देखिए कि किस तरह से border open border हुआ पड़ा है, और जो सेंचुरी cities हैं घर दे रही हैं। और दूसरी बात, आपने मिडल ईस्ट की बात कर रहे थे, अगर आप सब लोग जानते होंगे कि ट्रंप 1.0 में ही मिडल ईस्ट का अकॉर्ड साइन करवाया गया था, और इजराइल की जो फ्लाइट है सबसे पहली बार वो दुबई गई थी। सो दैट ऑल्सो हैपन्ड इन हिज टाइम, वी कैनॉट इग्नोर इट। ही इज ऑल फॉर लेजिटिमेसी, ही इज नॉट लाइक बिकॉज वी एज अ टैक्स पेयर वी आर पेइंग फॉर इट। ये आप बिकॉज आप भारत में हैं, आप यहाँ अमेरिका से बाहर हैं, आपको मालूम नहीं हाउ मच इन्फ्लेशन दैट वी आर फेसिंग। ही वॉज द ओनली वन हु टॉक्ड अबाउट चाइना, ही वॉन्टेड टू ब्रिंग, जैसे आपके यहाँ पे बात करते, इस वक्त राष्ट्रवाद की जहाँ बात हो, यू कैनॉट इग्नोर UK, यू कैनॉट इग्नोर फ्रांस, एंड दैट्स वॉट ही इज टॉकिंग अबाउट नेशन ऑल्सो। भारत तो बाल बचा मोदी जी का, ये जो अभी आपका मे का इलेक्शन हुआ, यू कैनॉट इग्नोर दीज पॉइंट। सो देयर आर पीपल दोज हु आर मीन्स This is very, very where we are heading. Right. Where are we heading? बिल्कुल, तो क्या आप मान रहे हैं कि नैरेटिव क्रिएट करने की वजह से भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं विद इन द सोसाइटी, और उसका भी एक इंपैक्ट ये सब है? You cannot deny that, sir. ठीक है। और देखिए, एक और अपडेट देते चलें। अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन की आशंका है, और देखिए ईरानी साजिश के खुलासे के बाद बढ़ सकता है तनाव, ईरान पर बड़ा एक्शन ले सकता है अमेरिका। अब देखिए, चूंकि ईरान के नाम का जिक्र हुआ इसलिए ये आशंकाएं बढ़ गई हैं कि ईरान पर एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए बार बार ये सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान की एंट्री करा के एक नया ग्राउंड तैयार कर लिया में जो मौजूदा सरकार है, जो मौजूदा अथॉरिटीज हैं, वो कुछ करती हुई नजर आए, क्योंकि चुनाव है इस वक्त, एक सेंटिमेंट ट्रंप के साथ गया है, बाइडेन बैकफुट पे हैं, तो बाइडेन क्या कर सकते हैं, क्या बड़ा एक्शन हो सकता है इन सारी बातों के बाद, तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि जो बात रवि अभी आप कह रहे हैं कि ईरान पर बड़ा एक्शन अमेरिका ले सकता है, इसी बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा तो मिडिल ईस्ट जंग की आग में कैसे जलेगा, इन्फॉर्मेशन उस आधार पर, क्योंकि तनाव से मिडिल ईस्ट में जंग के विस्तार को लेकर भी आशंका ऐसे में बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट ये कि ईरानी प्रॉक्सी ग्रुप पर अमेरिकी ड्रोन हमले होंगे, और साथ ही सीरिया और इराक में अमेरिका ड्रोन हमले करेगा। हालांकि जवाब ईरान की तरफ से भी दिया जाएगा, और सीरिया और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमले ऐसे में बढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हमास, हिजबुल्ला समेत कई कट्टर संगठन जिस तरीके से मनीष ईरान के साथ हैं, आज भी इन्हीं हालात के बीच में अमेरिका का मिडिल ईस्ट को लेकर जो रुख है वो हमेशा सवालों के घेरे में आता है, क्योंकि अमेरिका के भी इंपॉर्टेंट बेस जो मिडिल ईस्ट में है, खासकर सीरिया में, वो भी हमेशा टारगेट पर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे राष्ट्रपति बाइडेन बने रहे या फिर ट्रंप बने राष्ट्रपति, दोनों ही हालत में अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में जो बाकी मुल्क हैं उनके साथ रिलेशन में चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन ईरान को लेकर अभी की एडमिनिस्ट्रेशन और आने वाले समय में अगर ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तब भी उनका एक्शन स्ट्रिक्ट ही होगा। तो सवाल उठता है कि क्या ईरान से ट्रंप को खतरा है? बिल्कुल खतरा है,
ट्रंप राष्ट्रपति बने ना बने, हर हालत में खतरा है। आईआरजीसी जरूर अपना बदला लेना चाहेगी, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि आईआरजीसी ने किसे हायर किया? आईआरजीसी ने एक व्हाइट अमेरिकन को हायर किया जो रिपब्लिकन था, उसे हायर किया कि ट्रंप को मार दो। और उसके बाद फिर आईआरजीसी ने क्या किया? आईआरजीसी ने CIA के जरिए इंफॉर्मेशन भिजवाई कि सीक्रेट सर्विस को बता दो कि हम मारने वाले हैं, और फिर सीक्रेट सर्विस ने फैसिलिटेट किया कि ठीक है थॉमस क्रूक तुम आ जाओ और उस छत पर चल के फिर गोली चलाओ, और उसके बाद ट्रंप पर गोली चलाई गई और खैर ट्रंप बाल बाल बच गए। अब सवाल है कि अगर ये सारी कॉन्स्पिरेसी को जोड़कर देख लिया जाए तो फिर एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या ईरान के नाम पर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट है वो अटेंशन डाइवर्ट तो नहीं कर रही है? बिल्कुल, ये इसीलिए सवाल उठ रहा था क्योंकि एक परसेप्शन बाइडन को लेकर बन रहा है कि बाइडन थोड़े ढीले ढाले प्रेसिडेंट हैं, तो एक्शन में वो दिखने चाहिए, कुछ करते तो नजर आए, और शायद ये ऐसा मौका है जब वो ईरान के खिलाफ कुछ करें तो एक सेंटिमेंट बने कि ही इज अ स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट और एक मजबूत नेतृत्व वो दे सकते हैं। और देखिए अमेरिका और ईरान की दुश्मनी का इतिहास जो है वो बहुत पुराना है, दोनों के बीच 1953 से दुश्मनी की शुरुआत हुई और तब से लेकर आज तक तनाव बढ़ता ही चला गया। आइए आपको दोनों के बीच दुश्मनी की वजह बताते हैं कि क्या वजह है दोनों देशों के बीच जो तनातनी रही है। तो तख्ता पलट एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम 1953-1953, CIA ने ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान में तख्ता पलट करवाया और तब एक पॉइंट बना टेंशन का, कॉन्फ्लिक्ट का। PM मोहम्मद मुसादिक को हटाकर रजा पहलवी को सत्ता दे दी गई, तो 1953 में ये एक तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ जिसमें अमेरिका की बड़ी भूमिका रही और ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बना। अब ये ईरानी क्रांति को लेकर भी इंफॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एक पुराना बेस है दोनों का, जहां 1979 में देखिए कि किस तरीके से आयातोला US पर ईरान की निर्भरता के खिलाफ थे। और इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की ईरान और अमेरिका के राजनयिक संबंध भी उस वक्त खत्म हो चुके थे। अब इसीलिए इन्हीं ग्राउंड्स पर हम ये जानने की अब कोशिश रवि कर रहे हैं कि दोनों का इतिहास ऐसा क्या है जिसके आधार पर आज हम ईरान पर शक के आधार पर दावे को लेकर चर्चा करें। दोनों के संबंधों में एक और पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय है, देखिए 1989-81 दूतावास संकट और तेहरान में ईरानी छात्रों ने US दूतावास को कब्जे में ले लिया था और ये एक ऐसा संकट आया था दोनों देशों के सामने जो डिप्लोमेसी को लेकर था। 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाया और दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। इराक ने US की मदद से ईरान पर हमला किया और ये युद्ध 8 साल तक चला, यानी एक कल्मिनेशन अब देखिए दोनों देशों के बीच। 2015 का परमाणु समझौता, इसका जिक्र इसलिए क्योंकि ओबामा कार्यकाल में दोनों देशों के संबंध में सुधार को लेकर जिस तरीके से खबरें आ रही थी उसमें ईरान से परमाणु समझौता और ईरान ने परमाणु कार्यक्रम सीमित करने की जो बात कही थी उस आधार पर ये बात। और साथ ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रंप जिन्होंने परमाणु समझौता रद्द किया और वहीं से दुश्मनी फिर शुरू हुई। और देखिए 2019 की बात करें, IRGC आतंकी संगठन घोषित किया, ये अपने आप में ये घोषणा ही अपने आप में दोनों देशों के तनाव को बढ़ाने वाली। US ने ईरान की सरकारी सुरक्षा एजेंसी को आतंकी संगठन करार दिया और इसके बाद से समझा जा सकता है कि क्या परसेप्शन अमेरिका और ईरान का एक दूसरे के लिए था। ईरान ने भी अमेरिकी सेना को आतंकी समूह करार दे दिया, तो इस तरीके से दोनों देशों के बीच ये तनाव, ये टेंशन का इतिहास रहा।